أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear today my topic about the second one composition component of the plasma membrane dear हमने बात किया था lipid के बारे में कि first one component जो plasma membrane के composition के अंदर है वो है lipid और इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है प्रोटीन सो डियर हमने लिपिड के बारे में बात किया था आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम सेकंड वन कंपोनेंट जो है क्या प्रोटीन membranous protein is as a globe floating and the sa of लिपिड मेम्ब्रेनियस प्रोटीन क्या करते हैं एज अ ग्लोब की तरह क्या करते हैं फ्लुइडिंग करते हैं किस पर फ्लुइडिंग इन द साफ फॉस्फोलिपिड जो मैंने आपको बताया था लिपिड के बारे में कि मेम्ब्रेनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है वो सभी क्या है फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट प्लस पीटीएसएल टू पीटीएसएल मैंने आपको बताया था और इसके बाद ग्लिसरॉल जो इसके लिपिड में फॉस्फो पीटीएसएल प्लस ग्लिसरॉल और इसके बाद मैंने आपको बताया था फॉस्फेट के बारे में सो डियर ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन क्या करते हैं membranous protein as a loop fluiding करते हैं plasma of lipid के समंदर में और इसके बाद डियर जो मैंने आपको बताया था कि there are two types of membranous protein प्रोटीन टू टाइप है इसका प्रोटीन का टू टाइप्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का टू टाइप्स है यहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताना चाहूंगा ये है क्या एक सेल है इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है ये एक सेल है ये सेल का साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये सरफेस ले लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये सरफेस ले लिया और इसके बाद डियर ये है ग्लाइकोप्रोटीन और इसके बाद ये है ग्लाइकोलिपिड ये ग्लाइकोलिपिड और इसके बाद दिया ये है क्या ग्लाइकोलिपिड के बाद ये है फॉस्फोलिपिड इसके साथ फॉस्फेट भी है फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड के बाद ये क्या है फॉस्फोलिपिड के बाद ये भी फॉस्फोलिपिड है
पास्को लिपिड, जो मैंने आपको बताया था पॉस्पेट हेड हाइड्रोपिलिक, पॉस्पेट हेड मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हाइड्रोपिलिक है। अब ये पर ये पॉस्पेट पॉस्फोलिपिड का क्या है, पॉस्फोलिपिड का लिपिड का है ये पेल, ये क्या है हाइड्रोपोबिक, हाइड्रोपोबिक। इस फॉर एग्जाम्पल यहां पर है क्या, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये क्या है, यहां पर जो रेड कलर है ये है ये प्रोटीन, ये है क्या एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, ये स्ट्रक्चर इस सरफेस का है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन मैंने यहां पर ले लिया, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सेकेंड वन इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको इंटीग्रल भी इंट्रिंसिक प्रोटीन इंटीग्रल भी कहा जाता है, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो डियर, यहां पर मैंने आपको बताया कि इसका टू टाइप्स है, फर्स्ट वन क्या है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, द प्रोटीन, द प्रोटीन विच इज टेम्पररी अटैच टू द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वो प्रोटीन है जो टेम्पररी क्या है, टेम्पररी अटैच है किसके साथ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही क्या है टेम्पररी अटैच है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है टेम्पररी अटैच है। इसका रूल क्या है, रूल आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अर्जी तौर पर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। और यहां पर रूल ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये वो प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बोथ साइड आउटर एंड इनर सरफेस के साथ क्या है, ये आउटर और इनर सरफेस के साथ क्या है टेम्पररी अटैच है। इसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसका किरदार क्या है,
इसका किरदार है, इसका रूल यह है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर विच रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इन फॉर्म सेल टू रिस्पॉन्ड। ये क्या कर रहे डियर? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का रूल ये है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का क्या रूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज एक रिसेप्टर के तौर पर क्या करते हैं, बनाते हैं, और इस रिसेप्टर का रोल क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये रिसेप्टर स्टिमुलाई को फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट में चेंज आ गया और इस चेंज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सेल को क्या करते हैं, इनफॉर्म करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट के बाहर एक स्टिमुलाई पेश हुआ, इस स्टिमुलाई से सेल को क्या करते हैं, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं, इनफॉर्म करते हैं और सेल इसको रिस्पॉन्ड देते हैं। ये किसका किरदार है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का किरदार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और इसके बाद डियर जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड वन, इसके बाद हम सेकंड वन है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल, इसको हम इंटीग्रल भी कह सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। सेकंड वन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन द प्रोटीन which is permanently associated with both surface of the plasma membrane। इसका ताल्लुक परमानेंटली है बूथ सरफेस से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से भी और इनर सरफेस से भी इसका एसोसिएशन यानी कि किया है परमानेंटली है। सो सम इंट्रिंसिक प्रोटीन इज क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्राम प्राम बोध सरफेस सब एक इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कहते हैं प्लाज्मा बर्न को क्रॉस करते हैं यानी कि क्रॉस करने के की वजह से इसको हम क्या कहते हैं ट्रांस प्रोटीन जो मैंने यहां पर आपको बता दिया कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो प्लाज्मा बर्न को बूथ सरफेस से क्या कहते हैं क्रॉस करते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसी इंट्रेंसिक प्रोटीन को हम क्या कहते हैं ट्रांस इट इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सो डियर इसके बाद रूल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इसका किरदार क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका किरदार क्या है रोल ऑफ इन इंट्रिंसिक प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका किरदार क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका किरदार क्या है यानी कि किसका इंट्रिंसिक प्रोटीन का इंट्रिंसिक प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या किरदार है इसका किरदार यह है इट मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पर मी एवल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक सब्सटेंस ये क्या कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमियेबल बनाता है किस चीज के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज का कमी हुआ सेल के अंदर तो ग्लूकोज ये क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन परमियेबल है डिफरेंशिएशन परमियेबल है अगर फॉर एग्जाम्पल सेल को ग्लूकोज का रिक्वायर हुआ तो ये क्या कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं इसको अंदर ले जाने में मदद देती है और इसके बाद डियर व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर मेसिस इसको हम पॉलीसिस क्यों कहते हैं प्लाज्मा इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम पॉलीसिस और मेसिस क्यों कहते हैं द प्रोटीन विच फॉर्मेट
विच फॉर्मेट मटेरियल मटेरियल इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वो प्रोटीन है जो क्या कहते हैं इजाजत देते हैं परमिट मीन इजाजत देना मटेरियल को कहा मटेरियल इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। ये इजाजत देते हैं मटेरियल को इजाजत देते सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर एक मटेरियल सेल के अंदर क्या हुआ कम हुआ तो इस मटेरियल को अंदर जाने के लिए इजाजत लेना जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं ये मटेरियल सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है बट आल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन से इजाजत लेते और इसके बाद ये अंदर जा सकते हैं। इजाजत लेने के बाद ये अंदर जा सकते हैं इसी वजह से हम इसको बॉर्न मेसिस कह सकते हैं। और इसके बाद दिया इसके बाद व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव सेलेक्टिवली परमिएबल व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली वाली परमिएबल। ये मटेरियल को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेक सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन विच पास मटेरियल इनटू सेल अकॉर्डिंग देयर नीड। फॉर एग्जाम्पल अगर देयर नीड फॉर एग्जाम्पल अगर सेल को एक चीज का जरूरत है फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का ग्लूकोज रिक्वायर्ड पर सेल इट गिव फॉर मेट। ये क्या देते हैं ये इजाजत देते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मींस ये इजाजत देते हैं फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का रिक्वायर्ड हुआ सेल को व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रॉपर इट मेम्ब्रेन नॉट गिव परमिट टू इंटर द सेल। अगर फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सेल के अंदर क्या है प्रॉपर है तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल जो इंट्रिंसिक प्रोटीन बना देती है ये ग्लूकोज को क्या नहीं देते ग्लूकोज को इजाजत नहीं देते इंटर इट
कैन नॉट गिव परमिट टू इंटर द सेल। सेल के अंदर ये ग्लूकोज को जाने नहीं देते। सो डियर, ये था इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन जो मैंने इसका रोल भी बताया। और इसके बाद डियर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जिसके बारे में बात करने वाले, हम अगले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट जो लास्ट वन कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है कार्बोहाइड्रेट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करने वाले। सो डियर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।